बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसियों को सलाम हो गई, ख़ास करके हरूब वालों के मुतल्लक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता, कुछ खबरें बहुत अच्छी, यानी कि उनको टाइम मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों के काम भी होना शुरू हो चुके हैं। और जो भी मामला उनके आ रहे हैं, जो हमारे ज़रिए से मुराद ये है कि जो भी डिटेल हम उनको दे रहे हैं, वो जो भी बता रहे हैं, उसके हिसाब से भाई आगे क्लियर कट बात सामने आ रही है कि भाई आप अपना काम इस तरीके से करवा लें, ये मामला इतने, ये सूरत-ए-हाल है, तो बंदे को पता चल जाता है कि भाई ये रास्ता है, मैंने इस रास्ते के ऊपर जाना है और ये मामला ऐसे हो जाएंगे। तो बाकी कफील ढूंढे, अपने मामला ओके करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू भी हो चुके हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस खबर से रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो, मैं भी आपको बताने लगा हूँ, मैं या हरूब के मुतालिक आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर न्यूज़ में शायद आपको दिखा भी रहा हूँ, मदीर अल आमा जवाजात 20,996, कितने 20,996 या चार बंदे का कम है, यानी 21,000 ही हो गया ना। करारदाद बहक मुखालफीन निज़ाम अल इकामा व अल अमल व अमन अल हदूद, ठीक है, यानी कि तकरीबन आप यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी एक माह में 21,000 के तकरीबन अराउंड में अफराद के फैसले, सज़ाएँ, जो भी मामला थे वो क्लियर किए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दो बातें बताऊँगा, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये बात आपको, ये न्यूज़ क्यों दे रहा था, इकामा एक्सपायर है, आप बदून कफील हैं, कफील कंपनी से भागकर बाहर काम कर रहे हैं, कफील ने आपका नजायज़ हरूब दे दिया है। हरूब वालों के मतलब तो अभी जो भी तफसीलात सामने आ गई हैं वो तो चलो हरूब वाले तो इसमें से निकाल दें, अलग मामला है, लेकिन अगर आप हरूब के मतलब भी कुछ भी करवाना है या मामला तो आपने पूछने हैं या लेने हैं या देने, जो भी सूरत हाल है, तो वो मैंने व्हाट्सएप आपको दिखाया हुआ, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इकामा एक्सपायर है, सॉरी हरूब फिर बोलने लगा था मैं, बदून कफील या कफील कंपनी से भागे हुए हैं, उस सूरत में भाई अभी मेरी बात समझ लीजिएगा, उस सूरत में बाहर आप काम करेंगे, आपको शुरता पकड़ेगा, बदून कफील के ज़ुमरे में रह के आपको डिपोर्ट करेगा या आपके ऊपर सज़ा या फ़ाइन करेगा, ये उसी सूरत में सज़ाएँ और फ़ाइन बता रखे हैं। अगर मिसाल के तौर पर इकामा एक्सपायर है, कफील कंपनी मुसस्सा जो भी है, वो आपकी सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है, आपको खरूज नहीं भेज रहा है या छुट्टी नहीं भेज रहा है, तो भाई उस सूरत में अभी हमें करना क्या है, देखें मकतबे अमल इसी चीज़ के लिए बना है कि आप मकतबे अमल में जाएं, वहाँ पर जाकर उनके ऊपर शिकवा कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर आपके मामला हो आप उनको बताएं, इंशाल्लाह ताला फैसला आपके हक में होगा। 21,000 बंदों के फैसले आए भी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं वाजह कर दूँ, अगर इकामा एक्सपायर है, आप हरूब है, बदून कफील हैं, या कोई भी और इलीगल आपका मसला है, कंपनी से आप भागे हुए हैं, आप ये सोच रखे हैं कि भाई मैं नकल कफाला या खरूज जाना चाहता हूँ या जाकर न्यू वीज़ा से वापस आ सकूँगा, या भाई मैं नकल कफाला चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या सूरत हाल है, तो भाई उस सूरत में ये है कि आप पहले अपना एक वापसी टाइप का पेपर होता है, वो पेपर ज़रूर चेक करवाइएगा, उससे आपके जो भी मामला होंगे कन्फर्म आपको पता चल जाएंगे कि भाई आपके क्या तफसीलात हैं, मौजूदा कंडीशन के हिसाब से आपका काम हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्या मामलात हैं। तो ये चीज़ें बंदे को क्लियरली पता चल जाती हैं, उसके हिसाब से फिर बंदा आगे जो भी मामला हो अपने करवा लेता है। तो बाकी इससे रिलेटेड आपने कुछ भी भाई पूछना हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।